अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूज़फुल होने वाली है, बिकॉज़ टुडे वी आर रिमूविंग वाइट एंड ब्लैक हेड्स विदाउट पेन एट आवर होम। वैसे तो ब्लैक हेड्स रिमूव हम लोग मोस्टली पिन से करते हैं, जो कि मार्केट से ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए पिन मिलती हैं, बट वो इतनी पेनफुल होती हैं कि मोस्टली हम लोग जो है उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, और इस चक्कर में हम लोग अपने ब्लैक हेड्स रिमूव ही नहीं करते। इसीलिए एक बहुत कमाल की चीज़ मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूं। जिन लोगों को बहुत मसला है वाइट हेड्स का, ब्लैक हेड्स का, ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, रिजल्ट्स आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी, खुद से यूज़ करके दिखाऊंगी कि रिजल्ट्स बिल्कुल 100% गारंटीड है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, रिवाज यूके का ये एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही हिट प्रोडक्ट है, जो कि मार्केट में बहुत सेल हो रहा है और इवन बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में, और हम इसको यूज़ करके रिजल्ट्स आपके सामने दिखाएंगे। तो जी, मार्केट से आपको किसी भी शॉप से ये इस तरीके से पैकेट मिल जाएगा, जिस पैकेट के अंदर 6 नोज स्ट्रिप्स होती हैं एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और बॉक्स के पीछे सारी डिटेल मेंशन हुई हुई है, द वार्निंग्स एंड द डायरेक्शन फॉर यूज़। अगर किसी को नहीं भी आता इसको यूज़ करने, तो हर चीज़ जो है वो प्रॉपर मेंशन हुई हुई है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, कि आप किस तरीके से ब्लैक हेड्स को रिमूव करोगे। मैंने भी यही डायरेक्शन जो है वो फॉलो करके अपनी ब्लैक हेड्स जो है वो रिमूव करती हूँ, और अब तो खैर मुझे आदत हो गई है। अब मैं वंस इन अ वीक इसको यूज़ करती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मेरी नोज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आई कैन फील द सॉफ्टनेस ऑन माई नोज़ एज वेल। ठीक है, तो सारे इन्ग्रीडियंट्स और आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, हर एक चीज़ इसके ऊपर मैंशन हुई हुई है। अब हम करते हैं जी बॉक्स को ओपन। बॉक्स को ओपन करते ही ये देखें, इस तरीके से 6 नोज स्ट्रिप्स इसके अंदर होती हैं, जो कि अलग अलग से जो है वो पैक हुई हुई हैं हर साशे के अंदर। ठीक है, तो एक साशे जो है वो एक बार यूज़ के लिए है, एक बार आप यूज़ करेंगे उसके बाद आप इसको थ्रो कर देंगे। एंड इट क्लेम्स इट रिमूव डर्ट, ऑयल, रिमूव ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड टाइटन्स द पोर्स एज वेल। और पीछे भी जो है वो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन दी हुई है। आउटर पैकेजिंग और इनर पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, अगर बॉक्स आपका गुम हो भी जाए तो इस साशे के ऊपर सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन हुई हुई हैं। और इसको हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इस साशे के अंदर इस तरीके से एक नोज़ स्ट्रिप मिलती है, जिसका शेप बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन किया है आपकी नोज़ के अकॉर्डिंग, और डबल साइडेड ये स्ट्रिप है। एक जो साइड है जिसके ऊपर जो है वो इन लोगों ने कुछ ग्लू टाइप लगाया हुआ है, वो इस शीट के ऊपर इस तरीके से स्टिक हुई हुई है। आपने करना क्या है, सिंपली इसको रिमूव करके अपने नोज़ के ऊपर जो है वो इस स्ट्रिप को रख लेना है। ऐसा नहीं रखना कि बस रिमूव किया और रख लिया, इसकी पूरी एक प्रॉपर डायरेक्शन है। तो चलते हैं, मैं आप लोगों के सामने इसको जो है वो ओपन करती हूँ, आपके सामने इसको अप्लाई करूँगी और दिखाऊँगी कि किस तरीके से जो है वो इसको हमने लगाना है, किसने कितनी देर तक इसको लगे रहने देना है और इसको किस तरीके से रिमूव करना है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इस प्रोडक्ट के मिलने से पहले मैं ख़ुद पर्सनली ब्लैक हेड्स पेन यूज़ किया करते थे रिमूव करने के लिए, बट वो इतना पेनफुल प्रोसेस होता था कि मैं उसको स्किप कर देती थी। जब मुझे फील होता था कि हाँ अब बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई है और अब मुझे एनी हाउ यूज़ करनी है, तब जाके मैं ब्लैक हेड पेन यूज़ करती थी, अदरवाइज़ मैं उस प्रोसेस को जो है वो उस स्टेप को स्किप कर देती थी। बट लकीली जब से मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, मैं अब ईजी होकर बिल्कुल रिलैक्स होकर इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपनी नोज़ को जो है वो गीला कर लेना है। ठीक है, मेरे पास अब मेरे रूम में ऑब्वियसली वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए अगर आपके पास रोज़ वाटर है या कोई भी सिंपल पानी आपने लेना है, अपने नोज़ को जो है आपने गीला कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने केयरफुल इस स्ट्रिप को इस स्टिकर के ऊपर से उतार लेना है, क्योंकि इसके ऊपर ग्लू लगा होता है, अगर आपके हाथ के ऊपर लग गया तो ये प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट भी हो सकता है। तो आपने इस डायरेक्शन से अपने नोज़ के ऊपर इसको लगाना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से आपने अपनी नोज़ के ऊपर रखना है, जो फ्रंट वाला साइड था वो अपने नोज़ के फ्रंट पर ही रखना है, क्योंकि इस एरिया पर हमारे मोस्टली काफ़ी जो है वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन इस स्ट्रिप को भी गीला करना है। सबसे पहले नोज़ को गीला किया, स्ट्रिप रखी, उसके बाद अगेन आपने इस स्ट्रिप को गीला करना है और इस तरीके से इसको प्रेस करते जाना है, ताकि प्रॉपरली ये नोज़ के ऊपर हमारे चिपक जाए। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि ये स्ट्रिप पूरी गीली होनी चाहिए।
ठीक है, मतलब ये पूरी जब गीली होगी तभी आपकी नोज़ के ऊपर ये प्रॉपर फिक्स होगी और चिपकेगी, अदरवाइज़ अगर कहीं से भी ड्राई होगी तो वहाँ से ये चिपकेगी नहीं और उस जगह से जो है आपके ब्लैकेज रिमूव नहीं होंगे। बस एप्लीकेशन हो गई है, अब आपको वेट करना है इसके ड्राई होने तक का। जैसे ही ये ड्राई होगा उसके बाद हम लोग इसको जो है वो रिमूव करेंगे, और रिमूव करने का भी एक प्रॉपर तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको रिमूव करना है। आप देख सकते हैं मेरी फिंगर्स कितनी जो है वो स्टिकनेस मेरे फिंगर के ऊपर आ गई है इस प्रोडक्ट से। ओके गाइस, तो 10 मिनट्स हो चुके हैं इसको लगे हुए एंड एज यू कैन सी इट्स प्रॉपरली ड्राई, और आप देख सकते हैं कितनी हार्ड ये हो गई है। आपने अब क्या करना है कि इस तरीके से इसको प्रेस करना है, ठीक है, इस तरीके से पूरे नोज़ के ऊपर आपने प्रेस कर लेना है ताकि अब ये जो है रिमूव हो जाए बहुत इजीली, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जिस साइड से जो डायरेक्शन है उसको वहाँ से रिमूव करना है, मतलब लेफ़्ट की रिमूव करनी है पहले सेंटर तक, फिर राइट की रिमूव करनी है सेंटर तक, उसके बाद जो है वो सेंटर से रिमूव करनी है, ठीक है। लाइक आई एम डूइंग, अगर आप एक साथ कर लेंगे ना तो फिर वो प्रॉपरली जो ब्लैक हेयर जो है वो रिमूव नहीं होंगी। आपने इस तरीके से ये देखें, इस साइड की स्ट्रिप आपने हटा ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब दूसरी साइड की आपने इस तरीके से बहुत स्लोली स्लोली, एकदम स्पीड में नहीं उतारनी, आराम आराम से जो है आपने ये स्ट्रिप इस साइड की भी उतार लेनी है। दोनों साइड की आपने हाफ हाफ उतार ली, उसके बाद आपने ये सेंटर स्ट्रिप उतार ली। ये देखें जी गाइस, ये है जी रिज़ल्ट, स्ट्रिप आप देखें कितनी हार्ड हो गई है, और उसके ऊपर आपको ये छोटी छोटी वाइट्स और ब्लैक हेड्स दिख रही होंगी आई होप, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरे के ऊपर इतना प्रॉपर पता नहीं चलेगा, बहुत छोटी छोटी और बहुत जो है वो लाइट होती हैं इसलिए इतना पता नहीं चलता है। खैर, बट कैमरे में जितना पॉसिबल हो रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पर मैंने डार्क कर दिए ताकि पूरा फोकस जो है वो इस स्ट्रिप के ऊपर हो। आप देख सकते हैं जो नोज़ की फ्रंट साइड थी वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो हेड्स और ब्लैक हेड्स जो है वो रिमूव हुई है मेरी, और नोज़ की साइड्स पर भी जो है वो होती हैं वहाँ से रिमूव हुई है। ये आप ये देखें, जो आपको ये छोटी छोटी ये चीज़ें आपको आई थिंक आई होप आपको नज़र आ रही हो, खैर इतना पता नहीं चलेगा कैमरे में, बट ऑनेस्टली ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मेरी जितनी भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स थी उसमें से रिमूव हो चुकी हैं। मैं अपने हस्बैंड की नोज़ के ऊपर भी इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जेंट्स जो है वो बाहर घूमते हैं उनकी तो बहुत हार्ड वाली जो है वो ब्लैक हेड्स आ जाती हैं, तो उनकी नोज़ पर भी अप्लाई करती हूँ, उनकी नोज़ पर भी जो है ये इसी तरीके से रिज़ल्ट देती है, सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड पर जो है वो कितने क्लियरली ब्लैक हेड्स जो है वो दिख रहे हैं रिमूव हुए हुए। इस स्ट्रिप को रिमूव करने के बाद मेक श्योर कि आप अपने नोज़ के ऊपर टोनर अप्लाई कर लीजिए ताकि जो आपके पोर्स खुले हैं वो आपके बंद हो जाएं टोनर से। टोनर जो है वो मस्ट अप्लाई करना है इसको रिमूव करने के बाद, और अपने काम भी करना है, जो भी आपकी ब्लैक हेड स्पिन है वो आप लोगों ने जो है वो साइड कर देनी है, और ये चीज़ परचेज करके इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो ये अच्छा रिवाज जो कि स्ट्रिप्स जो है वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, किसी भी मार्ट से किसी भी शॉप से मिल जाएंगी, आप इनको परचेज़ कर लीजिएगा और काफ़ी रीज़नेबल भी हैं, ठीक है। इनको परचेज़ करके एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो और ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आपने जो है इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना है, और जो भी वीडियो आप लोगों ने मुझसे बनवानी है या जिस भी किस्म की जो है प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलूंगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।